हे वर्स गाइस, आपका दिल से स्वागत करता हूँ कूल टेक माइंड में। तो गाइस, आज अब मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको दो तीन फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं, सिर्फ आप एक क्लिक में इस तरह के फ़ोटोज़ बना सकते हैं। तो देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं, और उस पर देख सकते हैं लाइक्स, और ये काफ़ी कूल है। और इस तरह से आप काफ़ी अमेजिंग फ़ोटोज़ बना सकते हैं। इनको आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर कहीं भी शेयर करेंगे तो आपको काफ़ी सारे लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगी। बढ़िया, तो किस तरह से बनाना है सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और आपकी फ़ोटो तैयार हो जाएगी। तो भाई, ये न्यू एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अब हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो साथ में नोटिफिकेशन आए उसको भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आए उसको भी ऑन कर लें। अगर गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए गाइस, हम अपने वीडियो को टॉपिक तरफ चलते हैं। तो गाइस, उस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो गाइस, उसका नाम है टूलबीच। तो गाइस, टूलबीच फोटो, तो गाइस ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको हम कर लेते हैं सिंपल ओपन, और ओपन करके बाद गाइस कुछ इसका इस तरह का इंटरफेस होगा। तो थोड़ा सा टाइम देंगे लोड होने में, ऐड आई इसको आपको कट कर देनी है। कट करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं प्रो एडिटिंग, तो इस पर हम सिंपल क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं अपना, ये वाला। तो ये वाला फ़ोटो लेने के बाद आपको उस तरह के फ़ोटो कैसे बनाना है जो मैंने आपको दिखाया है। तो गाइस, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें आप काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं अपनी फ़ोटो पे, और काफ़ी कूल अपनी फ़ोटोज़ को बना सकते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले जाते हैं इफ़ेक्ट्स में। जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी उस तरह के फ़ोटोज़ कैसे बनाने हैं आपको, तो यहाँ पर हम गए सिंपल इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पर पिप लिखा होगा, PIP। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स खुल जाएंगे आपके सामने। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो इनको आप ओपन करने के बाद उसमें भी काफ़ी सारे टूल्स ओपन होंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हैं, आप इस तरह का भी फ़ोटो अपना बना सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, आपको जो भी पसंद है। मैं सेकंड था, तो ये गाइस ये मैंने आपको दिखाया था। इस तरह से आप सिर्फ एक क्लिक में, यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर में एक राइट का निशान दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सब हुआ आएगा ऑप्शन, वो उस तरह से आप सेव भी कर लेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे मैंने स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते जाएंगे। देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रही है, इस तरह से आप DSLR के जूम वाला लेंस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से डिस्प्ले क्रैक का भी आप लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये काफ़ी सारे कूल इफेक्ट्स हैं इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से आप और डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे एरो का निशान दिख रहा है आपको, इस पर से टैप करेंगे तो यहाँ पर जैसे आपका नेट ऑन होगा तो नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे आपको आ जाएंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको साइड में, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी सारे आ गए हैं। यहाँ से आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने सारे डाउनलोड कर रखे हैं, तो आप भी इनको डाउनलोड कर लें। तो इस तरह से डाउनलोड करने के बाद आप कहीं पर भी ये सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद इसको आप सेव कैसे करना है इसको मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई भी एक बड़े सा फिल्टर ले लेता हूँ इफेक्ट्स, तो मैंने ये वाला चूज़ कर लिया है। यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर में ग्रीन का निशान दिख रहा होगा, इस पर सिंपल टिक करूँगा। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको इस क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। ये मैंने किया क्लिक, यहाँ पर आप इसको क्वालिटी अपनी सेव कर लें, उसके बाद यहाँ पर सेव का निशान पर क्लिक कर दें। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपका फ़ोटो सक्सेस हो जाएगा। मैं आपको गैलरी में जाके दिखा देता हूँ ये फ़ोटो। तो हम जाते बैक, तो हम अपने गैलरी को ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारे यहाँ पर गैलरी में काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में डाउनलोड यानी कि सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटो को काफ़ी कूल एडिटिंग में यानी काफ़ी इफ़ेक्ट्स उसमें डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग लग जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर थी। अगर गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फ्रेंड हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आए उसको भी ऑन कर लें, क्योंकि मेरे लिए इसकी ऐसी
अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We are the farmers.